बजरंगी सेना के नेता महेश तिवारी ने चल समारोह में हुई घटना को निंदनीय बताते हुए कहा कि घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। महेश तिवारी ने कहा कि घटना की शुरुआत कैसे हुई, किन कारणों से हुई, आखिर लोग पुलिस आरक्षक से हाथापाई करने को क्यों मजबूर हुए, इसकी जांच होनी चाहिए। केवल आरक्षक से मारपीट करने का वीडियो वायरल हुआ, लेकिन उसके पूर्व आरक्षक ने नशे की हालत में किन परिस्थितियों को जन्म दिया, इस पर सवाल कोई नहीं कर रहा है। यह बड़ा विषय है। और जब आरक्षक के साथ मध्यरात्रि में हमला हुआ तो पुलिस ने उसी समय अपराध दर्ज क्यों नहीं किया? संबंधित आरोपियों पर मामला उस समय क्यों दर्ज नहीं हुआ? गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? आखिर घटना के 18 से 20 घंटे बाद आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों की गई? मामला इतना विलंब होने के बाद क्यों दर्ज नहीं किया गया? इससे साबित होता है कि आरक्षक ने शराब पी हुई थी और आरक्षक की गलती छिपाने के लिए पुलिस इतने समय तक मामले में अनजान बनी रही। जब आरक्षक पर रात में हमला हुआ तो पुलिस ने तत्काल अपराध क्यों दर्ज नहीं किया? ये तमाम प्रश्न हैं जो पुलिस कार्यप्रणाली में सवालिया निशान लगाते हैं जिसकी जांच वरिष्ठ अधिकारियों को करना चाहिए। महेश तिवारी ने कहा कि यदि मामले में पुलिस आरक्षक पर भी कार्यवाही नहीं हुई तो निष्पक्ष जांच नहीं होती है तो बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जाकर न्याय की मांग किया जाएगा। जिस तरीके से यह घटना घटी और उसको सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो को काट कर पेश किया गया, यह पूर्ण रूप से गलत है। यदि कोई तथ्य आए तो पूर्ण रूप से आए। आज जो तथ्य आया, आज के तथ्य के हिसाब से तो जो पुलिस कर्मी है उसको इस घटना का जवाबदार है। पहले उसने हाथ उठाया, यहाँ कई महिलाएं आई, उन्होंने बोला कि उसके साथ अभद्रता की। और मेरा पुलिस प्रशासन और हमारे मीडिया सभी भाइयों से आग्रह, विषय जब पूरा आएगा तो पूरे से कोई बात समझ में आती। वहां पर हजारों हजार के लोग उपस्थित थे और ये जो घटनाएं हुई है वास्तविकता, प्रथम दिन तो किसी ने इस विषय में कोई विषय नहीं रखा, लेकिन जब पूर्ण रूप से वीडियो आया है और वास्तविकता ये गलत है और जो भी ये इसमें पुलिसकर्मी जो ये है गलत बात है। आज हम लोग सभी हमारे पार्षदगण उनसे जाके मिले, दोनों व्यक्तियों से, उनको पहली बार लेके आए तो मारे, उसके बाद रात में भी मारे, जबकि टीआई साहब ने स्वतः हम सबके सामने इस बात को आश्वस्त किया था कि अब इसको कोई नहीं मारेगा। टीआई साहब स्वयं जाके बोले थे। उसके बाद रात में 1 बजे उनको मारा गया, सुबह भी मारा गया। यह तो पूर्ण रूप से गलत है और ये इस तरह की चीजें होंगी तो इसमें माननीय एसपी साहब को पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए और वो लोग घटना क्यों हुई इस पे विशेष ध्यान दें। एक व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई न की जाए। जब एक जनप्रतिनिधि सुनिश्चित नहीं है तो फिर आम इंसान तो भाई वहां पर अभी बता रहे हैं कि हमारी यदि उनके किसी के भी महिलाओं के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो सीधी सी बात है कोई मारेगा। तो यदि कोई दारू पी के यदि पुलिसकर्मी हाथ उठा रहा है तो सबसे पहले तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप ड्यूटी दे रहे हो, ड्यूटी में स्पष्ट वीडियो में दिख रहा है, ना बैच है उनके पास, ना उनका नाम, लोग उनसे नाम पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, इसका मतलब भाई वो कुछ गलत कर रहा होगा तब ना नाम पूछ रहे हैं। और ऐसी तो अभी घटनाएं कभी तक घटी नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि मारेगा जाके किसी को, भाई कोई क्यों अचानक से जाके मार देगा? जब कोई किसी को गाली देगा, किसी को उठपटांग बोलेगा, गलत शब्द का प्रयोग करेगा तो सीधी सी बात है लोग, क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी, क्रिया की प्रतिक्रिया हुई। उसके विषय में किसी भी जनप्रतिनिधि ने कल कोई बात तो नहीं आई। जब ये दूसरा विषय सामने आया कि पहले तो वो मार रहा है, यदि व्यक्ति दारू पी के और सिद्ध भी हो रहा है, भाई पुलिस को मार रहा है और रिपोर्ट हो रही है आपके 24 घंटे बाद, भाई सामने वाले का मेडिकल क्यों नहीं कराया गया? उसी समय वो रिपोर्ट कराते, यदि मारा गया है, मुझे मारा गया है और मैं जाऊँगा तो मैं 24 घंटे बाद जाऊँगा रिपोर्ट लिखाने, तुरंत जाना चाहिए रिपोर्ट लिखाने। पुलिस की व्यक्ति रिपोर्ट उन्हीं को लिखना है, उस समय इसलिए नहीं लिखी है रिपोर्ट क्योंकि वो दारू पिए हुए था, उसका मेडिकल होता तो दोनों तक सामने आ जाते, उल्टा उनके ऊपर कार्रवाई होती। देखिए यह बेहद ही निंदनीय और दुखद मामला है। पहली बात तो पुलिसकर्मी के साथ जो घटना घटी, हम लोगों ने प्रथम दिन जो देखा ऐसा लगा कि पुलिस के साथ मारपीट हुई, लेकिन कुछ सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुए उसमें साफ दिख रहा है जो वहाँ जो जनता लगभग हजारों की संख्या में लोग थे, चल समारोह था वहाँ की महिलाएं बता रही हैं कि पुलिसकर्मी ने बदतमीजी की और ना पुलिसकर्मी जिस ड्यूटी दौरान जिस प्रकार होते हैं, ना उस बैच था, ना बिल्ला था, बिल्कुल शर्ट खुले हुए, तो ये कहीं ना कहीं संदेहास्पद है। अनुमान कहीं घटना होती है तो सबसे प्रथम जो है तत्काल, एक तो पुलिस का मामला है, वैसे भी नहीं छोड़ती, 8 से 10 घंटे तक विलंब क्यों किया गया? जिस प्रकार लोग बता रहे तो पुलिसकर्मी ने शराब पी रखी थी और पहले उसने हाथापाई की और उसके बाद यह घटना आगे बढ़ी, यह निश्चित ही। हम लोग यहाँ ज्ञापन देने आए थे, हमारी स्पष्ट मांग प्रशासन से कि प्रशासन 24 घंटे के अंदर
अरुण चौरसिया जेल में है, एक पक्षी कार्रवाई हुई और शहर के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं चौरसिया समाज के हो चाहे जिस समाज के, थाने के अंदर बैठा के उनको आश्वस्त किया गया था कि अरुण चौरसिया के साथ मारपीट नहीं की जाएगी, बल्कि सामंजस्य बना करके उनको न्यायालय में जो भी प्रकरण धारा मुकदमा उनके साथ मारपीट की गई। लोग आज मिलने गए थे, बताए बिल्कुल बात करने की स्थिति में नहीं है। तो जिस प्रकार से घटना घटी है, हमारे सामाजिक हमारे लोगों को भी इस प्रकार भ्रम में रख करके घटना की गई है, निश्चित उस पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया जाए और उसके ऊपर अगर उसने गाली दी है और लोग बता रहे तो प्रकरण पंजीबद्ध होना चाहिए, तभी हम लोग शांत होंगे, अन्यथा नहीं हो। 24 घंटे का अल्टीमेटम है, आगे जैसा समाज तय करेगा हम लोग धरना प्रदर्शन घेराव जो करना पड़ेगा आगे करेंगे, कार्रवाई नहीं होगी। मैहर से यूडी न्यूज के लिए आनंद शावलानी की रिपोर्ट।